हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और हैप्पी और टेंशन फ्री होंगे। जैसा कि हर एक नए टॉपिक आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे टर्टल्स की फीडिंग के ऊपर कि टर्टल्स को कौन सी फीडिंग दे सकते हैं। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था टर्टल्स की फीडिंग टर्टल सेटअप के ऊपर, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड होने की वजह से मैंने प्लांट्स को निकाल दिया और जो बड़ा यहाँ पर हाइडिंग प्लेस था उसको भी निकाल दिया। बिग सर्कल, जो हाफ बिग सर्कल था उसको निकाल दिया और बास्किंग एरिया। तो ये फ़िलहाल अभी टर्टल जो है आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं मेरे टर्टल्स, और बहुत हेल्थी भी हैं और एक्टिव भी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्टिव भी हैं, बहुत हेल्थी भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टर्टल्स को किस तरह फिट करते हैं और कितना फिट करते हैं और कौन कौन सा फूड हम इनको फिट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी यहाँ पर टर्टल है, देख सकते हैं यहाँ पर टर्टल्स दोनों हैं, एक्टिव भी हैं, हेल्थी भी हैं। मैं डेली फिट कर रहा हूँ, जो मैं फिट कर रहा हूँ वो फिट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, हेलो पेट्स का एक ब्लड वार्म है, ट्यूबिक्स वार्म है और नॉर्मल पेलेट्स है, और यहाँ पर कैल्शियम सप्लीमेंट है और ये ड्रेड ट्यूबिक फार्म से। तो मैं ये फिट करता हूँ इन टर्टल्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना और कैसा फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से चीज़ें जो टर्टल्स को फिट कर सकते हैं और किस हिसाब से दे सकते हैं। मैं लाइव फीडिंग भी आपको दिखाऊंगा किस तरह टर्टल्स को फिर हाथ से ये खुद खाते हैं। बहुत फैमिलियर हो चुके हैं टर्टल्स मेरे साथ, हाथ से अपना टर्टल जो है अपना फूड जो है पिक करते हैं। तो हाफ पेजेस भी फिट कर सकते हैं, ब्लड वार्म भी फिट कर सकते हैं, ब्रांचेस फिट कर सकते हैं और नॉर्मल प्लेट से ही फीड कर सकते हैं, क्योंकि फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टर्टल्स के लिए, क्योंकि उनको उनको एनर्जी देता है, उनको बॉडी के अंदर हीटिंग के लिए और उनको जीने के लिए एनर्जी बहुत सबको सप्लीमेंट मिलती है, जैसा कि आम जानवरात को मिलती है। क्योंकि प्रॉपर फूड फीड ना करें तो टर्टल जो है टर्टल्स बहुत जल्दी सीख हो जाती हैं, एक्टिव नहीं रहते। आप नॉर्मल चीप फूड लाकर फीड करेंगे तो बहुत जल्दी क्या होगा इसका रिजल्ट, वो सिक होते चले जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे और बहुत जल्दी मर जाते हैं। क्योंकि फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टर्टल्स के लिए। आप अच्छा है कि आप उनको अच्छा बेहतर क्वालिटी वाला फूड दें, क्योंकि वो भी एक जानदार है, उनकी प्रॉपर केयर करना हमारी जिम्मे है। अगर आप उसको रख रहे हैं, अगर आप तो प्रॉपर केयर नहीं कर सकते, थोड़ा स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप इसे दूर रहें। क्योंकि टर्टल जो है बहुत केयरिंग करने के थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी फूड लाकर डालें उनको फीड कर दें जो चीप मिलता है, इससे क्या होता है उनकी हालत जो है ख़राब होती चली जाएगी, प्रॉपर फीड नहीं होगी। इसलिए आपको ज़रूरी है कि जानना कि कौन सा फूड फीड करें, कितना फीड करें और किस हिसाब से फीड करें। आज हम इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं इसको पूरा क्लियर हो जाएंगे, तो ज़रूर वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले मैंने एक चार्ट तैयार किया है, आप देख सकते हैं। मैं तकरीबन एक महीने से ज़्यादा में पेट्स को टर्टल्स को रख रहा हूँ, तो मैं चार्ट तैयार किया है। इसके हिसाब से मैं जो है ट्यूबिक स्वाम सैटरडे के दिन देता हूँ, क्योंकि आप हर दिन ट्यूबिक स्वाम दे देंगे तो ये टर्टल्स जो है नॉर्मल पैलेट्स खाना बंद कर देंगे। इसलिए हफ्ते में एक ही दिन देना काफ़ी है और ये बहुत न्यूट्रिशन फूड होता है, बहुत हेल्थी होता है और उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है जो न्यूट्रिशन वो सब इसके अंदर रहते हैं। लेकिन इससे पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए हफ्ते में एक बार दे काफ़ी है। और संडे को जो मैंने ब्लड वार्म देता हूँ, जो ड्राइड ब्लड वार्म है, आप लाइव ब्लड वार्म भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ड्राइड ही दे, लाइव ब्लड वार्म भी देते हैं। तो मैं जो ब्लड वार्म देता हूँ वो ड्राइड होते हैं, आप उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही फीड कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार देना है या दो दिन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन क्या होता है आप ज़्यादा दे देंगे न्यूट्रिशन फूड तो उसी को वो परमानेंट बना लेंगे, फिर बाद पैलेट्स खाने के लिए इनकार कर देंगे। और मंडे को जो है मैं वेजी देता हूँ, यानी वेजिटेबल यानी तरकारियाँ सब्जी फल फ्रूट देते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं कि आप एक ही फूड साल भर देते रहे उनको। इसे आदमी अगर आपको एक ही दाल खाने के ऊपर एक ही पूरे ज़िंदगी भर दें तो नॉर्मल आदमी बोर हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। इस तरह टर्टल्स भी हैं, अगर एक ही फूड आप उसको हमेशा देते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं और बहुत सारे रीज़न जो है सिक होने के हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी मर जाते हैं। क्योंकि आप बड़ी टैंक रख दिए, बास्किंग एरिया भी दे दिए, यूवी लाइट भी दे दिए और हीटिंग लैंप भी दे दिए, लेकिन प्रॉपर फूड नहीं दिया तो क्या फ़ायदा है। इसलिए आप हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट आप इनको वेजेस दें। हालांकि जब ये छोटे होते हैं तो उतना वेजेस नहीं खाते, बड़े होने के बाद खाते हैं, लेकिन आप ट्राई करें, अगर खा ले तो अच्छा है, नहीं तो आप पैलेट्स को दे सकते हैं।
तो आप जैसा कि पहले वेजिस में जो है आप कोकुमर दे सकते हैं, ककड़ी दे सकते हैं जिसे खीरा भी कहते हैं, या आप लेडी फिंगर भी दे सकते हैं, या आप टमाटर भी दे सकते हैं, टमाटर के लीव्स जो आते हैं वो भी दे सकते हैं, और जो गोभी पत्ता आता है उसको भी दे सकते हैं, ग्रीन पीस जिसे मटर दाना कहते हैं वो भी, उबला हुआ भी दे सकते हैं और नॉर्मल वाला भी दे सकते हैं, और गाजर भी दे सकते हैं। तो इतने आप जो है इनको वेजिस दे सकते हैं, कोई भी एक दे दे इसके अंदर आप, इनको काफ़ी है, ये खा लेंगे। और जो नॉर्मल दो दिन है जो मैंने इसको चार्ट के हिसाब से पैलेट्स बनाया है, जो सप्लीमेंटरी पैलेट्स होते हैं वो मैं देता हूँ, तो इस हिसाब से क्या होगा, थोड़ा बैलेंस रहेगा, ये टर्टल जो है हैप्पी भी रहेंगे, खुश रहेंगे आपके पास, और बहुत जल्दी ग्रो भी होंगे, और हेल्थी भी रहेंगे, और फास्ट ग्रोथ भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ इसको अवॉइड करेंगे, एक ही फूड लेकर, चीप फूड लेकर आप उसको फीड कर रहे हैं, महीने महीने भर एक ही टिप्स सालों सालों दे रहे हैं, तो यार ये तो ऐसा है कि जैसा कि उनको टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अलग अलग फूड दें। तो मैंने जैसा कि पिछले जो फूड देता हूँ उनको, ये है, ये ट्यूबिक स्वाम है जो हफ्ते में एक बार देता हूँ या 2 हफ्ते में एक बार देता हूँ, और ये भी ब्लडवाम है जो हफ्ते में एक बार देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये ट्यूबिक स्वाम है, ये भी एक टाइप का अलग ट्यूबिक स्वाम है, इसको भी हफ्ते में एक बार देता हूँ, लेकिन इससे पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए हफ्ते में एक बार फीड करके बाद में निकाल दें। और ये नॉर्मल पैलेट्स होते हैं, वो वाले पैलेट्स मैं अभी फीड करके दिखाऊंगा, ये बहुत हैप्पी खाते हैं, मैं यही फीड कर रहा हूँ। तो आप इस तरह के फूड फिट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि फीडिंग करना ज़रूरी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, फीडिंग बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, जैसा कहा कि इनकी लाइफ इसके ऊपर निर्भर होती है। अगर आप अच्छी टैंक दे दें, अच्छा बास्किंग घेरा दे दें, सब कुछ दे दें, अगर प्रॉपर फूड नहीं दे तो क्या फ़ायदा, ये फास्ट ग्रोथ नहीं करेंगे। सब लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, कंप्लेंट करते हैं, भाई मैंने सब कुछ रखा है, बड़ी टैंक रखी है, अच्छा अगर फिल्टर भी रखा है, हीटर भी रखा है, लेकिन टर्टल ग्रो नहीं हो रहे हैं, बेबी टर्टल ग्रो नहीं हो रहे, इसकी वजह क्या है? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का अल्टरनेटिव फूड दें, 4-5 स्टेप के फूड दें, इससे क्या होता है वो थोड़ा हैप्पी भी रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और फास्ट ग्रोथ भी होंगे। तो और एक चीज़, कितने टाइम्स फिट करना है आज उसके बारे में क्लियर करेंगे कि कितना टाइम फिट करना है और कितना हम उनको फिट कर सकते हैं। देखिए बात की जाए तो टर्टल्स को जो है डेली आप 2 टाइम्स फिट करें, तो और एक क्वेश्चन है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कितना फिट करें, कितनी क्वांटिटी में और कितने टाइम फिट करें। देखिए टर्टल्स को डेली 2 टाइम्स फिट करें, छोटे या बड़े टर्टल्स हो, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में फिट करें, मॉर्निंग एवरी इवनिंग, 8 घंटे सुबह में, 8 घंटे शाम में, या 6 घंटे सुबह में, शाम में 6 घंटे, इस तरह टाइम फिक्स कर ले अपने हिसाब से। तो डेली 2 टाइम्स दें और कितना फिट करना है इसके बारे में बात करें। देखिए फिट करने की बात है तो एक साइंटिफिकल तरीका है, साइंटिफिकल तरीका है, जैसा कहा जाता है कि जैसा कि टर्टल का जो सर होता है उसके बराबर उसको फूड देना है 2 टाइम में, डेली 2 टाइम्स। यानी जैसा कि अभी समझ लीजिए टर्टल का सर जो है मेरी उंगली के बराबर है, तो उसकी उंगली के बराबर का फूड हम देंगे 2 टाइम्स डिवाइड करके डेली। अगर सर टर्टल का सर थोड़ा, अगर टर्टल का सर थोड़ा बड़ा है, जैसा कि इतना बड़ा है या इससे ही बड़ा समझ लीजिए, तो या टर्टल इतना बड़ा है समझ लीजिए, तो इसके बराबर अगर इतना बड़ा उसका सर है तो समझ लीजिए उस इतना फूड हम 2 टाइम्स करके पर 2 टाइम्स देंगे। तो ये साइंटिफिकली तरीका है, ये जनरली जो कहा जाता है कि इस तरह के फीड कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कि अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप पर टाइम 3 पेलेट्स एक टर्टल के लिए आप दे सकते हैं, इस तरह के 3 पेलेट्स जो मिलते हैं, इस तरह के पेलेट जो मिलते हैं उसको पर टाइम एक टर्टल के लिए 3 दें, इस तरह के 3 दिन, छोटी टर्टल हो तो, जैसा कि मेरे पास है 3 इंच की से छोटी है, 3 इंच से तकरीबन हो तो 3 दें, अगर बड़ी हो तो 4 कर दें, और बड़ी हो तो 5 कर दें, इस हिसाब से दें। तो अगर आपको परफेक्ट मालूम है तो और एक बार क्लियर कर लूँ, कितना फिट करना है, जैसा उसके सर के बराबर का फूड आप उसको देना है पर डे 2 टाइम्स डिवाइड करके। तो चलिए फीडिंग करते हैं हम, नॉर्मली जो है लाइव फिट करके देखते हैं, और इन सब फूड की टेस्टिंग लाइव फिट करके देखते हैं, उन सब फिट की टेस्टिंग करते हैं। अभी देखिए मैं इसको फीड करने जा रहा हूँ, तो मैं अभी देखिए मेरी टर्टल अभी भूखी है, अभी सामने आ रही है, बोल रही है खाना दो करके सामने आ रही है। देखिए ये बहुत फैमिलियर हो चुके हैं, जब भी मुझे देखते हैं तो सामने आ जाते हैं, वो समझते हैं कि मैं फूड देने के लिए आ रहा हूँ, तो सामने आकर फूड पूछते हैं, जब फूड देता हूँ तो वो खाकर फिर वापस ले आते हैं। तो हम इसको लाइव देंगे, फूड देंगे, देखिए अभी मैं इसको देने जा रहा हूँ, मेरे हाथ से ये पिक करेंगे, इतना फैमिलियर हो गया मेरे साथ कि ये
हाथ में आकर पिक कर लेते हैं। देखिए देखिए किस तरह हाथ से लिया, इस तरह हाथ से लेकर ये खा लेते हैं। देखिए इसको भी दे रहा हूँ मैं, देखिए खा रहा है। वहाँ पर खा रहा है, यहाँ पर खा रहा है। इस तरह की टर्टल्स है जो अभी मेरे पास है, इतनी छोटी है, तो आप 3 पेलेट्स पर टाइम दे, डेली 6 पेलेट्स दे। पेलेट्स मतलब ये वाला होता है। अभी मैं शाम की फीडिंग कर रहा हूँ इनको। दोनों खा लिए, और एक बार हम फीड करते हैं इसको। देखिए और एक बार देता हूँ मैं इसको। देखिए लेके चलेगा, ये भी खा रहा है। और एक ये वाला इधर, इसको भी दूंगा। तो दोनों फिट खा रहे हैं। ये है ब्लड वर्म्स। देखिए इस तरह के होते हैं ब्लड वर्म्स, आपको दिखा दूँ किस तरह के होते हैं। इस तरह के होते हैं, इसको ये ब्लड वर्म है, ड्राइड है, मतलब सूखे हुए हैं। इसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी फिट करता हूँ मैं, ये हफ्ते में एक बार फिट करना है। मैं अभी डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए खा रहे हैं इसको, ब्लड वार्म भी खा रहे हैं बहुत शौक से। ब्लड वार्म को बहुत पसंद करते हैं ये, ब्लड वार्म और ट्यूबिक्स वार्म को। लेकिन आप इनको डेली फीड नहीं करना है, क्योंकि डेली फीड कर दिए तो आप ये पेलेट्स खाना बंद कर देंगे। देखिए ब्लड वार्म भी खा लिए। तो नेक्स्ट हम ट्रेकर, हालांकि आपको इस तरह डेली एक एक बार में पूरा फीड नहीं करना है, मैं बस आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये कितना शौक से खाते हैं इनको। ये देखिए ट्यूबिक स्वाम है, हफ्ते में एक बार फीड करने का। इसे जस्ट आपको ड्रॉप कर देना है। देखिए अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए खा रहे हैं इसको, लेकिन इसे पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हफ्ते में एक बार दे काफ़ी है। देखिए कितना शौक से खा रहे हैं, बहुत झगड़ करके खा रहे हैं, लेकिन पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रख। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि पानी बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि इसको ड्राई एरिया में देना है, हमको पानी में नहीं देना है। तो अभी मैं डेमो के लिए दे रहा हूँ, तो आप खाने के बाद इसको निकाल कर, देखिए अभी मैं इसको निकाल लिया, फिर सुखाकर आप इसको फिट कर सकते हो। ड्राई एरिया में रखना है आपको, जैसा कि बास्किंग एरिया है, बास्किंग के ऊपर ये एरिया के ऊपर रख दें तो वो खुद आकर खा लेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो ये मेरा जो स्केड्यूल है, जो मेरा जो मैंने इसको तैयार किया है, आप इस तरह भी आप इसको फीड कर सकते हैं। तो एक्टिव हेल्थी रखने के लिए ये काफ़ी है, इस तरह का फूड न्यूट्रिशन दें। तो आगे और वीडियोस में बनाता रहूँगा, इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बस यही था, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।